गुड इवनिंग एवरी वन आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी एक बार जस्ट मुझे कन्फर्मेशन दीजिए और अगर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है ओके यस अविनाश ओके थैंक यू थैंक यू अविनाश ओके गाइज हमारा आज गुड इवनिंग आदित्य ओके जस्ट और कौन है यहाँ पर कहाँ से जुड़े हैं हमारा मंडे है आज कुछ खास मोमेंट नहीं है मार्केट में अगर आपने देखा होगा हम सभी ट्रेड्स को देखेंगे तो ये हमारा मंडे का वेबिनार है पुणे ओके okay. महेश पुणे से है गुड इवनिंग सोमन ओके आज किसी ने कोई ट्रेड लिया है बताइए अगर किसी ने कोई ट्रेड लिया है प्रॉफिट में गए हैं लॉस में गए हैं गुड इवनिंग मेहदा नो अविनाश ओके नितेश मुंबई ओके रॉन गुड वेलकम तो किसी ने कोई ट्रेड लिया है आज बताइए जस्ट शेयर कीजिए अगर नहीं लिया नो प्रॉब्लम प्लान को आपने फॉलो किया अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया लॉस में गया जस्ट शेयर कीजिए मैंने एक ट्रेड लिया था जैसे एक स्मॉल कुछ खास मूवमेंट नहीं थी जैसे एटी नाइनटी डॉलर तो उसको क्लोज कर दिया था वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ और क्या आने वाले सेटअप हम देख सकते हैं तो ये हमारा मंडे वीकली वेबिनार है गाइज तो हेलो आई स्पीक स्पेनिस कैन सो यू नीड टू चेक विद द स्पेनिसिक मिल कम्युनिटी दिस इज नॉट फॉर ओके ओके okay गाइस तो यहाँ पर यह हमारा मंडे वेबिनार है जो नाइन पीएम हम यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन कोई डाउट और जो ट्रेडिंग एनालिसिस हम वो देखेंगे क्या हमें सेटअप मिल सकते हैं वो देखते हैं जस्ट यहाँ पर जो भी चीजें हम एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं इसके बेस पर आप कोई डिसीजन मत लीजिए मैंने जो ट्रेड लिया था जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस प्रेजेंटेशन में नहीं है आ... मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं तो जस्ट मुझे बताइएगा जब आपको विजिबल हो या मेरीबल हो गए यूएसडी okay, uh, के लिए सोच रहा हूँ जीरो फॉर सेल शॉर्ट टर्म के लिए सेल देख सकते हैं यूरो यूएसडी में पर अभी जो मैंने फोरकास्ट में भी बताया था कि हम यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक देती है तो इस एरिया में आप बाय के लिए देख सकते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप वन आवर टाइम फ्रेम में है यहाँ पर तो शॉर्ट आप डाउन अपॉर्चुनिटी तो देख सकते हैं तो अगर मार्केट आए फिर देखेंगे ओके सर ब्लैक फ्राइडे क्या है ब्लैक फ्राइडे आपकी सेल चली हुई है अगर ट्रेडिंग में अगर आप कोई प्रोग्राम लेना चाहता है मतलब की पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो आप इस टाइम पर ले सकते हैं क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सभी कंपनीज अपनी सेल चलाती हैं भले प्रॉपफॉम होगी या ब्रोकर होंगे या फिर ट्रेडिंग भी हो गया या और भी कोई कंपनीज होंगी जो सेल करती हैं अमेजोन वगैरह यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है जिसमें कंपनीज अपना स्टॉक्स क्लियर करती हैं ताकि अपने जो एंड ऑफ द ईयर है अपने पूरे ईयर की सेल बढ़ा सकें तो यहां पर काफी डिस्काउंट मिलता है यहां पर सेवेंटी तक इनके पेड वर्जन पर डिस्काउंट मिल रहा है ट्रेडिंग भी होगा अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हैं और पेड के लिए सोच रहे थे तो ये बेस्ट टाइम है अगर आप लेना चाहते हैं जहां पर वन मंथ आपको फ्री में दिया जाता है और ट्वेल्व मंथ्स का जगह आपको थर्टीन मंथ्स का फायदा मिलता है आप ट्वेल्व मंथ्स के लिए पे करते हैं तो अगर अविनाश आप चाहते हैं यहाँ पर आप पेड वर्जन तो आप पेड वर्जन इनका ले सकते हैं ओके okay? चलिए तो यहाँ पर जो ट्रेड मैंने लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं बाकी अभी जो अविनाश सोमन पूछते थे यूरो यूएसडी के लिए तो यहाँ पर आ, जो मैंने फोरकास्ट में बोला हुआ है तो फोर आवर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम फोरकास्ट को भी चेक करेंगे पहले और सबसे पहले मैं देख लेते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पर अभी रेसिस्टेंस एरिया में है कुछ रिजेक्शन हो सकता है मार्केट डाउन आ सकती है डेफिनेटली तो आज कुछ खास मोमेंट नहीं है आज इसी रेंज में अगर आप मैं थर्टी मिनट्स में जाकर देखूँगा साइड वेज में रेंज में यहाँ पर मार्केट चल रही है तो कुछ खास मोमेंट नहीं है मेरा जो ट्रेड था मैंने यूएसडी कैड में लिया था जो मैं आपके साथ यहाँ पर बताना चाहूँगा यूएसडी कैड के लिए ओके तो यू एस डी कैडमे मैंने फोर आवर में गाइज आपको क्या बताया था मैंने बताया था कि हम ट्राइंगल में मार्केट यहाँ पर स्क्वीज कर रही है ये हमारा लास्ट वीक जो इस हफ्ते का फोरकास्ट है ये ये इस, इस तरीके से चल रही है और मार्केट यहाँ पर इस एरिया में मैंने इसमें बाइक एंट्री इस एरिया में ली थी और टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक मैक्सिमम मैं सोचा था पर वो कुछ खास मेरे को नहीं लगा कि मार्केट वहाँ तक जाएगी तो इसे एटी नाइनटी डॉलर पे मैंने यहाँ पर क्लोज किया तो जो मेरी एंट्री थी वो थर्टी मिनट्स में अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी यहाँ पर ये मैक्सिमम uh, दिया था और उसके बाद दोबारा से यूएस uh, सेशन तक मैंने इसमें वेट किया था और मेरी एंट्री इस लेवल पर यहाँ पर थी जब यूएस की मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी स्टॉप लॉस इस एरिया में था मेरा uh, ये मेरी एंट्री थी और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और मैं इस एरिया के आसपास पास यहाँ तक ही छोटा मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेंसी नहीं थी इससे कि मार्केट मूव करेगी पर अच्छा खासा मूव दिया तो जो मैंने रिस्क लगाया था बहुत कम लगाया था नाइन डॉलर का प्रॉफिट प्रॉफिट इसमें रहा कुछ खास नहीं है फिर भी ट्रेड वाइज सेटिस्फेक्शन की जो ट्रेड ट्रेड लिया था उस उस हिसाब से यहाँ पर गया है पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था जो कि टू इज टू वन का टारगेट में देख रहा था जैसी मार्केट ने इसको क्लोज किया मैंने अपने रिस्क को यहाँ पर एडजस्ट किया और ये विद इन हाफ एन आवर मेरा ये ट्रेड क्लोज हो गया था तो मुझे इसके लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी पर मैं अच्छा रिस्क लगा सकता था पर जो प्लान था कि मार्केट मंडे है आज कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रही है कुछ न्यूज भी नहीं है और यूएसडी कैट साइड वेज सेंटिमेंट में चल रहा है था, अगर आप देखें यूएसडी भी और कैट भी दोनों साइड बाई साइड न्यूट्रल बेस था तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेंसी नहीं थी फिर भी प्रोसेस को फॉलो किया मार्केट ने एक अच्छा रिजल्ट दिया भले ही प्रॉफिट बढ़ाना हुआ हो ओके तो ये मेरा यूएसडी कैट का प्रॉफिट था जो मैंने जो ट्रीट था मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ नाइन uh, डॉलर का प्रॉफिट पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसमें जो मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट यहाँ पर पूरी तरीके से एक में है वेट करना चाहूंगा कि ये ब्रेकआउट हो तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो जस्ट मैं यहाँ पर क्विक फोरकास्ट हम देख लेते हैं क्या है और उसके बाद फिर हम ट्रेड देखेंगे तो यूरो स्टिल अभी यूरोस एरिया में है आज कुछ खास मोमेंट नहीं है अगर पुल बैक आए डीप तो आप बाय के लिए ही देखिएगा या ऊपर की तरफ बाइक की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो यूरो यूएसडी को मैं ऑब्जर्व करूंगा जीबीपी में में आज तीनों सभी पेयर मतलब कैट जीबीपी जेपीवाई सभी जगह पर डाउनफॉल हुआ है तो ये रेसिस्टेंस एरिया में है यहां पर स्टिल अभी भी मार्केट कंटिन्यूसली अब जा सकती है तो अभी मैं वेट करूंगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है मे बी पूरी रेंज बन सकती है अभी यहाँ पर तो जीबीपी यूएसडी को अभी आप ऑब्जर्व कीजिए और जी यूएसडी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि आप देखेंगे मंडे में बिल्कुल इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है जो कि यह बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है तो अगर आप आने वाले दिनों में पेयर को देखना चाहेंगे मेरा फर्स्ट अडार पर होगा क्योंकि आ, के ऊपर इनकी मीटिंग्स है RBA की जो कल है सुबह छह बजे के आसपास अगर मार्केट यहाँ पर पुल बैक दे इस लेवल तक के आसपास अगर मार्केट यहां पर आती है बाय के लिए देखिएगा आप देखिएगा अगर थोड़ा भी नीचे जाए इस लेवल तक मैं स्टिल इसमें बाय के लिए ही देखना चाहूंगा अनलेस ये पूरा डीप पुल बैक जाए फिर तो मैं इग्नोर करूंगा तो मुझे यहां पर अगर कुछ बाइक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ओजी यूएसडी मेरा फर्स्ट रडार पर रहेगा जो मैं आपको भी कहूंगा आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एनजीडी यूएसडी स्टिल यहां से आप देखेंगे जो मैंने बोला था कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर चुके हैं अभी हम रेसिस्टेंस एरिया में है तो यहां पर ये मेरे लिए अभी इंटरेस्टिंग नहीं है एनजीडी यूएसडी में से ओजी यूएसडी को मैं प्रेफर करूंगा या तो ये इस एरिया को ब्रेकआउट करता तभी यूएसडी कैट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हम ट्रायंगल में जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक नहीं नहीं तो आप इसी साइडवेज रेंज में जैसे मैंने आज छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इसको ट्रेड किया तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं यूएसडी जैनी जैन कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है अगर यहां पर देखें इस लेवल को हम यहां पर ब्रेक कर चुके हैं जो ये सपोर्ट थी आप देखें बहुत टाइम से थी ठीक है इस लेवल को ये बहुत लंबे टाइम से होल्ड किया हुआ था गाइज और इस लेवल को हम यहां पर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं जी मैंने बोला था अगर हम ब्रेक करेंगे रिटेस्ट हो कुछ लेवल पे नीचे की तरफ जाइएगा तो यहां पर अगर आपको कल अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ भी रिटेस्ट मिले या आप यहीं पर जो आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखिएगा इस मैं आपको नहीं कह रहा हूँ जो बोल रहा हूँ बाई या सेल करें जस्ट डायरेक्शन ठीक है कि मार्केट ने लेवल को ब्रेक कर दिया आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली आप सेल के लिए जा सकते हैं सोमन मैं आता हूं आपके क्वेश्चन पे आप पर्टिकुलर पेयर पे अभी जस्ट मैं फोरकास्ट में अपडेट दे रहा हूँ जो भी आप नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं तो यूएसडी जैपनीज एन यन और ओजी यूएसडी ये दोनों रडार पर रहेंगे जीबीपी बी जैपनीज एन अगर आप देख रहे हैं यहां पर मैं इसे बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा क्योंकि हम डेली एरिया में यहां पर आ चुके हैं मार्केट इस एरिया में भी है लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगी ये जो नीचे का लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देती है फिर तो हम डाउन जाएंगे पर अगर हम ऊपर की तरफ गए तो ये कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे तो डिपेंड करता है अगर येन में स्ट्रेंथ आती है तो यूएसडी जैपनी जैन जीबीपी जेपीवाई दोनों को एक साथ देखिएगा क्योंकि यूएसडी जैपनी जैन अगर पूरी तरीके से कंटिन्यूसली डाउन गया यहाँ पर तो जीबीपी जेपीवाई को भी उसके हिसाब से देखिए किस तरीके से मार्केट में स्ट्रेंथ है मे बी आप साइड को यूज करें जो यहाँ पर करेंसी स्ट्रेंथ है फॉर एक्स ट्रेडिंग तो उस दिन अगर आपको जब मिलता है यूएसडी जैपनीजैन जीपी जीपी जीबीपी जेपीवाई की कौन सा करेंसी स्ट्रेंथ में चल रही है अभी आप जीप देखेंगे जैपनीजैन पूरी तरीके से यहाँ पर में चल रहा है रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा लास्ट टाइम वाला भी नहीं है और जीबीपी भी वीकनेस में है तो इस चीज को थोड़ा माइंड में रखिएगा जब भी आप जीबीपी और यूएसडी जैपनी जैन दोनों को ट्रेड करने के लिए देखेंगे तो यूएसडी जैपनी जैन मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा जैसे मैंने बोला अगर रेसिस्टेंस में ऊपर की तरफ जाता है पुल मार्केट में हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं जीबीपी जेपीवाई इस लेवल को ब्रेक करे शॉर्ट में जाएंगे नहीं तो ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं दोनों सिनेरियो पॉसिबल है माइंड में रखिएगा ओजी जैपनीज एन स्टिल इस लेवल के आसपास है यहाँ पर हम देखना चाहेंगे हालांकि जैपनीज एन पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है फिर भी ओजी यहाँ पर होल्ड किए हुए है तो ये पेयर भी अच्छा है तो जैपनीज एन सभी पेयर आपको अभी मोमेंट्स दे रहे हैं यूएसडी स्विस फ्रैंक इस लेवल को ब्रेक कर चुका है जो आप देख रहे हैं फोर आवर मैंने बोला था कि हम ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर चुके हैं तो हम कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउन जा सकते हैं और यूरो जी कुछ खास मूवमेंट नहीं है साइड वेज हासिल चल रहा है तो मैं कहूँगा ऐसे पेयर को अभी इग्नोर कीजिए जहाँ पेयर में कुछ आपको कुछ खास नहीं मिल रहा तो यूरो जीबीपी में मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा एक साइड रेंज है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं और दूसरा पेयर अगर यहाँ पर देखेंगे तो फोरकास्ट में अगर हम यहाँ पर चले तो गोल्ड गोल्ड में क्या था कि हम एक चैनल के अंदर ऊपर की तरफ रिकवरी दे रहे थे ठीक है यहां पर मैं स्टिल मेरे लिए पेयर इंटरेस्टिंग रहेगा हालांकि गोल्ड पूरी तरीके से डाउन गया है अगर ये यहाँ पर होल्ड करता है मैं बाय के लिए स्टिल देखना चाहूंगा एरिया इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के पास है मार्केट अगर होल्ड करता है मे भी आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इसको देख सके कि अगर आपको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिले तो डेफिनेटली आप बाय के लिए जा सकते हैं नहीं तो कंटिन्यूसली डाउन ओके इग्नोर करेंगे नीचे की तरफ बट वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं गोल्ड को भी सिल्वर सिल्वर भी सपोर्ट के पास है जो सपोर्ट मैंने बताया था और यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया अगर आप यहाँ पर देखें इस लेवल पर रिजेक्शन दे रहा है तो गो सिल्वर को मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है ऑयल पूरी तरीके से डाउन में है पर यहाँ पर ये यह एरिया इंपॉर्टेंट बन जाता है हालांकि स्ट्रेंथ बन रही है पूरी स्टिल अभी मैं नहीं कहूँगा कि रिवर्सल है स्टिल आप कल तक इसमें ऑब्जर्व कीजिए अगर मार्केट रिएक्ट करेगी हम स्टिल डाउन में जा सकते हैं तो वेट कीजिए अगर ब्रेकआउट होगा इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तभी आप बाइक ले जाएगा नहीं तो अभी ऑयल में हम स्टिल सेल के लिए देख सकते हैं बिटकॉइन साइडवेज में चल रहा है कुछ खास मोमेंट नहीं यही मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट में मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक जा सकती है तो टारगेट देखिएगा वो इवन मंडे तक ही आपकी यहाँ पर कवर हो गई है जो मैंने आपको बताया था अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा देखिए नीचे की तरफ जाते हैं डाउन ऊपर की तरफ या साइड इसी तरीके से चलते हैं एफओ की मीटिंग मिनट्स हैं इस हफ्ते वो भी देखिएगा इसी में मैंने बताया था साइड सपोर्ट पे आ चुके हैं गाइज ही आप पुल बैक देख सकते हैं और इवन देखिए इसी लेवल से अभी यहाँ तक अचीव हो गया इवन मंडे तक ही हम यहाँ पर कवर हो चुके हैं यूएस थर्टी आप देखेंगे साइड में चल रहा है आज कुछ खास मोमेंट नहीं है डेड मार्केट है पूरी तरीके से इसी रेंज के अंदर है और 100 भी अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज के अंदर है मे भी एक पस, पस की तरफ मिला है पर स्टिल मैं कहूंगा कि एक रेंज है ओके okay. तो ये फोरकास्ट अपडेट है कुछ पेयर्स है जो मैंने बताए है आप माइंड में रखिएगा जो हम आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली देखेंगे ओके हाई राणा वाना जी व्हाट इज द सेफ वे टू कन्वर्ट क्रिप्टो टू आई एम सीइंग मेनी केसेस वेयर पीपल बैंक अकाउंट आर गेटिंग ड्यू टू पी पी टू टू ट्रेडिंग सेलिंग कैश आउट इवन विदाउट देयर मिस्टेक दे आर फेसिंग प्रॉब्लम आप uh, एक डेल्टा एक्सचेंज है आप उसको यूज कर सकते हैं वहां पर यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट ले सकते हैं और उसी के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे को वो थोड़ा बेटर ऑप्शन लगा है तो चेक कीजिएगा उसको मैं जैसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसको जैसे एक बार चेक कीजिए देखिए उसमें उसमें मुझे पॉजिटिव व्यूज मिले हैं रिव्यूज मिले हैं तो देखिए एक बार उसे चेक करके ओके आ, ओके मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ बाकी सुमन पाल पॉल कैट स्विश फ्रैंक में देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म कैट स्विस्ट फ्रैंक ओके कैट्स फ्रैंक गाइज अब यहाँ पर हम आते हैं तो आपके अगर कोई भी सेटअप आप देख रहे हो मुझे बता सकते हैं या आपने कोई ट्रेड लिया हो जो आप देखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे तो कैट्स फ्रैंक में मुझे ये बताइए एक स्क्रीन ठीक है या आप मल्टीपल स्क्रीन में देखना चाहेंगे मैं बेटर रहेगा आप एक ही स्क्रीन में रहें हम ज़्यादा मल्टीपल कन्फ्यूज नहीं करना चाहेंगे तो कैट्स उंक में वो लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं हम यहाँ पर जो ड्रॉइंग है इनको क्लियर कर देते हैं ओके okay. ओके okay. कैट्स फ्रैंक में अगर सोमन देखें तो हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और इसके बाद मुझे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख नहीं रही है और कंटिन्यूअसली आपका डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है तो आप शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखिएगा तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो जब तक लेवल आपका हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है लोअर लो low बन रहे हैं आप शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी अभी आज में देख सकते हैं अगर रिवर्सल होगा तब भी आप लिए जाएंगे नहीं तो अभी कैट फ्रैंक लोअर लो बना रहा है हम सेल के लिए ही देखेंगे तो बेटर रहेगा प्लीज अगेन अबाउट गोल्ड ओके संदीप आते हैं गोल्ड के ऊपर गोल्ड uh, के लिए मैं आपसे जो हमने देखा था ओके गोल्ड पे आ जाते हैं ओके okay. तो गोल्ड में एक्जैक्टली exactly मैंने आपको फोरकास्ट बोला था कि हम चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं मार्केट हायर हाई बना रही है स्टिल हम सपोर्ट के पास है अगर आप यहाँ पर देखेंगे ठीक है स्टिल मेरे लिए ये पेयर इंटरेस्टिंग है मैं बाय की अपॉर्चुनिटी इसमें देखना चाहूंगा अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं स्टिल मैं बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहूंगा टारगेट ये या मैक्सिमम यहाँ तक अगर हम इस लेवल को नीचे आते हैं मेरे लिए दो एरिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे ये एरिया इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर भी मार्केट आएगी स्टिल मैं बाई के लिए देखना चाहूंगा दे, डीप लेवल पर जाएंगे तो मैं स्टिल अभी बाई के लिए देखना चाहूंगा गोल्ड में तो देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है मे भी आज या कल या और आने वाले दिनों में आप देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए ओके सोमन थैंक यू ओके वेलकम ओके आदित्य यूरो यूएसडी बाय किया था ओके okay, आदित्य ने एक ट्रेड लिया है चलिए हम उनका ट्रेड देख लेते हैं यूरो यूएसडी में उन्होंने बाय किया था आज यूरो यूएसडी में तो कुछ खास मोमेंट मिली नहीं होगी आपने फिर भी देखते हैं ओके okay, एंट्री ली थी इन्होंने कौन से टाइम फ्रेम पर लिया था आदित्य कौन से टाइम फ्रेम पर लिया था आपने तो उन्होंने बाय किया वन 1 9120. Okay. आपने यहाँ पर वन आवर पे आपने लिया चलिए मैं वन आवर पे यहाँ पर हूँ जीरो नाइन वन टू जीरो मंडे आपने यहाँ पर इसमें ट्रेड लिया और आपने टारगेट रखा वन पॉइंट जीरो नाइन फाइव वन पॉइंट जीरो नाइन फाइव काफी मतलब यहाँ तक के आसपास और वन पॉइंट जीरो नाइन जीरो तो ट्रेड आपका प्रॉफिट में रहा होगा मेरे ख्याल से वन पॉइंट जीरो नाइन जीरो लेकिन क्लोज कर दिया वन पॉइंट जीरो नाइन थ्री पर स्टिल ओके okay. अगर आपने प्रॉफिट लिया है स्टिल ओके okay. अगर आप मैं देख रहा हूँ आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली थी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपने वन पॉइंट जीरो नाइन थ्री पर भी अगर इसको क्लोज कर दिया है तो 1.5 मिनिमम देखिए जो भी ट्रेड लेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट आप यही रखें कि आप 1.5 पॉइंट एटलीस्ट इतना टारगेट आप जरूर बुक करें अनलेस आपकी एनालिसिस अलग हो गई है या कोई न्यूज आई है आपका सेटअप रिवर्स हो रहा है आप आउट कर सकते हैं कभी कभी क्या होगा अगर मार्केट यहां से आपके अगेंस्ट में रिवर्स जाना शुरू कर दे और ब्रेक इवन यहां तक आप प्रॉफिट में आ चुके हैं मार्केट आपके यहां तक प्रॉफिट में जा रही है और दोबारा से फिर रिवर्स करना शुरू कर रही है जहां पर आपने एंट्री की थी तो आप उसमें एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए ब्रेक इवन पर आउट हो जाइए क्योंकि अगर दोबारा एंट्री मिली आप दोबारा एंटर कर सकते हैं पर आप अब लॉस मत लीजिए उसमें ठीक है तो जो आपने प्रॉफिट लिया बिल्कुल ठीक आपने किया मार्केट स्टिल अब जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है वन पॉइंट फाइव आपने प्रॉफिट बुक कर लिया कोई बात नहीं मैं अगर यूएसडी कैड को देखना चाहूँ जो मैंने आपको ट्रेड बताया है मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया पर स्टिल मार्केट अब चल रही है पर जो मेरी एनालिसिस थी उसके हिसाब से मुझे मिल गया इनफ है मेरा यहां पर एनालिसिस था कि मार्केट यहां तक जाएगी इस लेवल तक यहां तक मैंने इसमें प्रॉफिट आउट कर लिया था और मार्केट थोड़ा ऊपर गई हम परफेक्टली बिल्कुल नहीं करना है कि मार्केट वहां तक जाएगी या नहीं जाएगी आप अपनी मार्केट जो सेंटिमेंट है उसके हिसाब से अपना आउट हो जाइए जो भी है एटलीस्ट इतना प्रॉफिट रखेंगे वन पॉइंट फाइव वन इज टू टू अनलेस मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए तो फिर आप वहां से आउट हो जाइए जैसे कि मैं यहीं पर आपको यूरो यूएसडी में बता रहा हूं अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाना शुरू कर दे आप उसमें लॉस मत बुक कीजिए एक बार आप वन पॉइंट फाइव वहां तक चले गए हैं या तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए या कुछ को रन करने दीजिए या फिर दोबारा अगर रिवर्स जा रही है ब्रेक इवन से पहले पहले उसको आउट कर दीजिए अगर दोबारा से वापस जाती है तो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं एनी वे आपने पहले भी वहां पर एंटर किया दोबारा कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर एटलीस्ट आप उसमें लूज तो नहीं करेंगे अगर वो आपके अगेंस्ट में चली जाएगी एक बार और फिर आप उससे ज्यादा फिर और रिग्रेट करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि वहां तक प्रॉफिट में गई थी और अब उसमें लॉस लिया है ठीक है तो ये सभी ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूं अगर एक बार आपका ट्रेड आपने कहीं पर भी एंट्री ली है स्टॉप लॉस लगाया है और ट्रेड आपके फेवर में एटलीस्ट वन इज टू वन तक भी गया है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए कुछ एटलीस्ट आपको सैटिस्ट्रे, हो अगर आप लूजिंग में जा रहे हैं तो कुछ तो ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट इतना बुक कर लीजिए आपको लगेगा कि कुछ जेब में आया ठीक है जहां तक आपका टारगेट था वन पॉइंट फाइव वन इज टू टू ओके पर अगर वो आपके अगेंस्ट में जाना चले तो ब्रेक ही पर आउट हो जाइए दोबारा एंट्री मिल जाएगी दोबारा एंट्री कर लीजिए एटलीस्ट ब्रेक इन पर ही आप आउट हो रहे हैं दोबारा वहां पर प्राइस आ चुका है दोबारा हो सकता है अगर आपको दोबारा से सिग्नल मिलता है पर आप उसमें लूज मत कीजिए नहीं तो फिर आप और ज्यादा अपने आप से गुस्सा होंगे अपने आप पे फ्रस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ प्रॉफिट बुक करना गुड होता है आप अप थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और आप फील भी गुड करेंगे ओके होपफुली सभी को लिए सभी के लिए मैं ये बोला पर्टिकुलर आपके लिए नहीं था तो आपने जो ट्रेड किया वन बिल्कुल ठीक था आदित्य ओके मोहिताज थैंक यू सर मैं नो व्हाट प्रोसेस यू फॉलो मोहताज डिपेंड करता है अगर स्कैल्पिंग है इंट्रा है या स्विंग ट्रेडिंग है आप उसी के हिसाब से टाइम फ्रेम को देखेंगे अगर मैं स्विंग को देख रहा हूँ डेली फोर आवर टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं इंट्रा के लिए हम साय वन आवर फिफ्टीन मिनट्स और अगर स्कैल्पिंग है तो फाइव मिनट और थ्री मिनट में भी जाके देख सकते हैं तो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप सभी तरह की ट्रेडिंग कीजिए फाइंड योर जोन पर्सनलिटी के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए अगर आप पेशेंस वाले ट्रेडर हैं तो फिर आप स्कैल्पिंग के लिए मत जाइए आप में पेशेंस नहीं है तो मे भी आप इंटरडे के लिए जा सकते हैं तो ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग रहेगा जब तक आप ट्राई नहीं करेगा आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे लिए क्या पर्सनैलिटी है कौन सी ट्रेडिंग मुझे सुटेबल रहती है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है फाइंड योर पर्सनैलिटी और किस तरीके की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं तो उसको देखिएगा ओके सर आप कन्फर्मेशन आप ई यूज करते डिपेंड करता है कभी कभी पर ऑलमोस्ट नहीं अगर मुझे कन्फर्मेशन लेनी है मे बी फिर मैं इंडिकेटर को यूज कर लेता हूँ वो कन्फर्मेशन के लिए ईम यूज कर सकते हैं थैंक यू मी आई नो रिस एंड इफ यू रिसीव इन क्रिप्ट हाउ डू यू कैस आउट टू एन आर इफ आई नो यथ दैट विल यूजफुल मैंने आपको बताया है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कमेंट्स में जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो एक्सचेंज को यूज कीजिए देखिए ट्राई कीजिए ओके पार्थ सर सर जीबीपी जेपीवाई थर्टी मिनट्स में मैं सेल देख रहा हूँ ओके जीबीपी जेपीवाई में आप थर्टी मिनट्स में सेल देख रहे हैं अभी बिल्कुल डेफिनेटली जीबीपी जेपीवाई डाउन के लिए ही चल रहा है मैं लॉन्ग टर्म में उसमें बाय के लिए देखना चाहूंगा तो अभी आप यहाँ पर इसमें सेल के लिए देख रहे हैं पर इश्यू क्या है यहाँ पर ये यह डेली की सपोर्ट पर बैठा हुआ है मगर यहाँ पर आप देखेंगे जो मार्केट है वो यहाँ पर डेली की सपोर्ट पर है तो मैं भी आप लेना चाहेंगे तो बड़ा टारगेट ना देखिएगा मैं थोड़ा इसमें अभी रुकूंगा पर अगर आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली आप इसमें ले सकते हैं यहाँ तक की सोट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी आपकी कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली लोअर लो बना रही है दोबार से मार्केट यहाँ पर आइए और ये मैं इसमें देखना चाहूंगा मार्केट यहाँ पर आए अगर डबल बॉटम मिले बाई की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिले तो मैं ऊपर की तरफ जाना चाहूंगा इस लेवल को ब्रेक कर डेफिनेटली फिर मैं सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा तो मैं इस एरिया को ऑब्जर्व करना चाहूंगा आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं सेल यहाँ पर और टारगेट मैक्सिमम मैं कहूंगा इस लेवल देखिएगा लंबे के लिए डाउटफुल रहेगा मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो मेरे लिए थोड़ा मैं अभी इसमें देखूंगा क्योंकि डेली डेली टाइम देली सपोर्ट पर आप यहां पर इसमें बैठे हुए तो तो कि किसी भी ट्रेड को फाइव स्टार देखना चाहूंगा कि मुझे पांच स्टार देखने कि मेरा सेटअप है मेरा टू रिवॉर्ड भी वहां पर बन रहा है मेरा ट्रेंड भी साथ में चल रहा है पर सपोर्ट रेसिस्टेंस ओके रि� यहाँ पर माइनस वन ठीक है और कैंडल किस तरीके से सेंटीमेंट है आज कुछ खास मार्केट मूव नहीं कर रही है जब जा स्ट्रॉ है मे बी प्लस वन तो इस हिसाब से आप रेटिंग देखिए अगर आपको अच्छा मिलता है मे बी आप लेस रिस्क ले लें अगर आप स्टिल लेना चाहते हैं तो मे बी अगर आप दो परसेंट का तो यहाँ पर वन परसेंट या पॉइंट फिफ्टी ले सकते हैं अगर आपको स्टिल लगे कि बाद में रिग्रेट ना करें कि मैं ले लेता हूं ठीक है होप आपका मैं आंसर कर पाया हूंगा ये क्वेश्चन पार्थ का था ओके ओ जी भाई देख रहा हूँ सर क्या वन आवर में अभी सही टाइम है क्या आदित्य अभी मैंने ओ जी यूएसडी बताया था कि ये वॉच लिस्ट पर डेफिनेटली रहेगा मैं इसे वेट करना चाहूंगा अभी ठीक है क्योंकि कल सुबह छह बजे आरबीए आर की मीटिंग है जो मिनट्स की मीटिंग आएगी वहां पर क्या उनका स्ट्रक्चर रहेगा तो अभी मैं इस पेयर को ऑब्जर्व करना चाहूंगा मार्केट स्टिल कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड्स यहाँ पर चल रही है मैं इस जगह पर इसमें वेट करना चाहूंगा अगर मार्केट यहाँ पर आए या इस सपोर्ट के आसपास आपको कहीं पर भी अगर यहाँ पर रिएक्शन मिलता है ऊपर की तरफ हम भाई देख सकते हैं तो मेरा रेडार में रहेगा ये पेर में कल देखना चाहूंगा कि किस तरह से रिएक्ट करता है क्या न्यूज या मे भी रात में कुछ उससे पहले ही हो जाए तो कुछ पता नहीं है पर ऑब्जर्व करते रहिए आप अपना आ, अलर्ट लगा लीजिए ठीक है ना हाँ अलर्ट लगा लीजिए कि मार्केट यहाँ पर जाएगी अलर्ट लगा कि जैसे ही मार्केट इस पेयर पर पहुंचे आप यहाँ पर अलर्ट कर सकते हैं अगर आपका फ्री प्लान है आप यहाँ पर दो अलर्ट लगा सकते हैं दो अलर्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम जैसे ही मार्केट यहां पर जाएगी अगर आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउन है आपके पास अलर्ट आ जाएगा वहां पर स्क्रीन पर तो एक अच्छा ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं जब आपको मार्केट के सामने बैठे रहने की जरूरत नहीं रह पड़ेगी ठीक है ओके आदित्य ये आपका क्वेश्चन था आई एम आस्किंग अबाउट दिस विड्रॉल जी हाँ मोहितास आप वहां से विड्रॉल भी कर सकते हैं आप क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं प्लीज रेटिंग फिर से बताएं रेटिंग अविनाश रेटिंग के लिए आपका ये मैंने जैसे एक आइडिया दिया है कि आप कोई भी रेटिंग ले सकते हैं अविनाश कि मान लीजिए मैं कोई भी पेयर ट्रेड में देख रहा हूँ मैं ट्रेंड बेस पे ट्रेड करता हूँ तो मैं रेटिंग उस हिसाब से देख सकता हूँ ताकि आप कॉन्फ्लुएंस उस हिसाब से देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं जस्ट इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ मुझे मैं ट्रेंड बेस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर सपोर्ट पे मार्केट आ रही है मैं यहाँ पर बाय के लिए देखूंगा सेटअप वाइज मार्केट में ट्रेंड अच्छा है मेरा एक स्टार मैंने इसको दे दिया अगर मैं पांच स्टार पे देख रहा हूँ ट्रेंड लाइन पर भी है ओके वन मोर कंफर्मेशन ठीक है आ, न्यूज कोई पॉजिटिव या न्यूज अगर आ, निगेटिव आई है तो मे भी मैं माइनस में इसे दे दूंगा पर अगर पॉजिटिव आई है मेरे साथ में फेवर में चलेगी तो मेरे लिए एक और पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर ठीक है करेंसी uh, स्ट्रेंथ में देख सकते हैं क्या वो प्लस में है या माइनस में है अगर प्लस में है तो एक और स्टार हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने जो पेयर्स हैं अपने सेटअप को एक रेटिंग दे सकते हैं आप क्राइटेरिया आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आप क्या क्या चीजें वहां पर लगाना चाह रहे हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैच करें मैं आपको जैसे एक जर्नल आइडिया दे रहा हूं आप पांच स्टार ले सकते हैं आप दस स्टार ले सकते हैं कि ये दस क्राइटेरिया मेरे हर एक ट्रेड में होने चाहिए जो आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है या पांच क्राइटेरिया या थ्री क्राइटेरिया जो भी हो अगर आपके तीनों मैच हो रहे हैं या आपके पांचों मैच हो रहे हैं परफेक्ट ट्रेड है आप वहां पर एंट्री लेंगे आप अपना दो परसेंट स्ट लगाना चाहते हैं पर अगर उससे कम जा रहे हैं तो आप वन परसेंट पे आ जाइए पॉइंट फिफ्टी पे आ जाइए अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है जैसे कि मैंने जीबीपी जेपीवाई में बताया कि हम डेली की रिपोर्ट उस पर है और जपनी जान में जीबीपी पर उसी हिसाब से फिर आप रेटिंग देखिए अगर आप स्टिल ट्रेड लेना चाहते हैं अपने रिस्क को कम कर दीजिए ताकि बाद में रिग्रेट न करें अरे मैं ले लेता पर कुलवंत और राणा जी ने वहां पे बोला था मैंने उन्हें और मुझे गालियां देंगे फिर आप कल को कि यार मैंने उनकी वजह से वो ट्रेड नहीं लिया तो मैं कह रहा हूँ आप ले लीजिए अगर आपको लेना है ठीक है ना मुझे गालियां मत दीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है मे भी रिस्क कम कर दीजिए अगर आपको क्वालिटी वाइज कम लगे ठीक है तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ मेरे बेस पे एकदम से नहीं मैं जस्ट आपको एक डायरेक्शन एनालिसिस दे रहा हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप अपनी एनालिसिस कीजिए और देखिए क्या आपको बेस्ट लगता है ठीक है थ्रीज ओके बट फाइव तो कंप्लीट होना मुश्किल है हाँ जैसा भी हो अविनाश जो आपकी स्ट्रेटेजी हो वो आप देखिए कि मेरे ये तीन पॉइंट है ये तीन क्राइटेरिया हैं जो मैच करेंगे तो मेरा परफेक्ट सेटअप है जब ये बनेंगे तभी मैं ट्रेड लूंगा अगर उनमें से एक नहीं बन रहा है तो ठीक कोई कोई पांच भी रख सकता है तो जैसे मैंने बोला करेंसी स्टैंड लेगी न्यूज आ गई स्ट्रक्चर हो गया कैंडल हो गई ये मतलब काफी चीजें हैं अगर ऐड करने के लिए करते चले जाएंगे ठीक है ना वो सब चीजें कभी मैच नहीं हो पाएंगी तो आप देखिए कि जब भी आपने जो टेस्ट किया हुआ जो भी स्ट्रेटेजी है कितने तीन या पांच जो भी है उस हिसाब से आप देखिए ठीक है नो सर आई विल नेवर ब्लेम यू ओके और बताइए अगर कोई और कोई ट्रेड देख रहे हैं आप इसी पेयर में तो मैंने आपको बताया ओजी यूएसडी देखिएगा जीबीपी जेपीवाई में लॉन्ग टर्म के लिए बाय देखूंगा ये तो सेकंड पेयर है गोल्ड में मैं स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा और यूएसडी एन आपका नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है तो ये एक अनदर पेयर रहेगा जो मेरा आने वाले दिन में रहेगा तो और हमारी जो न्यूज है अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर में एफओ की मीटिंग है जो आपकी वेंसडे को है तो उस दौरान ट्रेड मत कीजिएगा अपने पेयर को होल्ड मत करके मत रखिएगा काफी वॉलेटिल रहेगी मार्केट जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं साढ़े बारह बजे तो ट्यूसडे के बाद अगर आपका कोई पेयर रन कर रहा है आप उसे उसी टाइम पर मतलब इवनिंग तक उसको क्लोज कर दीजिएगा आठ नौ सात बजे कैट के ऊपर न्यूज है काफी न्यूज है ठीक है तो आठ नौ बजे दस बजे तक अगर आपके जो भी ट्रेड चल रहे हैं क्लोज कर लीजिए एफओ की मिनट है काफी वॉलीटिलिटी हो जाती है उस दौरान और मे भी आपका प्रॉफिट में चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उसको एक कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्रेटेजी में अगर नहीं ले सकते हैं कि आपका प्रॉफिट में गया लॉस में गया जस्ट न्यूज की वजह से तो अननेसेसरी कोई रिस्क मत लीजिए दोबारा से आप एंट्री कर सकते हैं आप देखिए जब बेस्ट डे आए दोबारा से हम एंट्री के लिए देखेंगे बाकी आप पीएमआई एम के नंबर देखेंगे जो आने वाले हैं कैट के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूज है काफी इन्फ्लेशन के नंबर है सीपीआई है तो यूएसडी कैट पेयर कल वॉलिटिल होने वाला है तो डेफिनेटली जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूएसडी कैड जो साइड वेज मतलब साइड नहीं दोनों तरफ से बैलेंस चल रहा है तो यूएसडी कैड जो हमने ऑलरेडी बात की है कि साइड ठीक है आप यहां पर देखेंगे कि मार्केट की कुछ डायरेक्शन नहीं जा रही है इसमें अगर ट्रेड देखेंगे मैं जैसे आपको एक आइडिया दूंगा जो मैं ट्रेड ले रहा था मैं इसमें के बेस -फेस को देख रहा था कि जैसे एक आइडिया आपको देने के लिए मैं एक और क्या थी जब मैंने इसमें बाय किया था तो मैं भी आप जैसे एक आइडिया देने के लिए जरूरी यूज करें कि मार्केट यहां से यहां तक इसका दिया है ये जो हमारा लेग था ठीक है इसका लेग का इसने सिक्सटी टू सेवेंटी एट परसेंट रिटेचमेंट दिया है और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है मार्केट यहां तक गई और इस लेवल को टच नहीं किया ठीक है तो ये मैंने एक लेवल दिया कि सिक्सटी एट से सेवेंटी सिक्स के परसेंट के बीच में मार्केट गई अब दूसरा जाए ये जो लेग था इसका मार्केट ने कितना दिया है अगेन सेवेंटी एट परसेंट यहां तक की रिटेचमेंट दिया तो हमारा ये है सेकेंड लेग और मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया और इसका 78 के आसपास यहां पर भी दिया 68 टू 78 ये मान के चलेंगे तीसरा अगेन अगर हम देखेंगे कि ये वाला लैग है तो अब मैं यहां पर कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट इस लेवल पे आएगी तो यहां पर कितना रिट्रेशमेंट दिया सिक्सटी के आसपास में कहूंगा अगर हम इसको पूरा देखें और ये वाला लेवल यहाँ तक मैक्सिमम थी ठीक है तो 68 के आसपास की मैं 50 से 68 के बीच में तो इतना रिफ्रेशमेंट होना चाहिए तो ये जो लास्ट लेग में देख रहा था ये जो लास्ट लेग गया क्योंकि अब यहां से आ रहा है इसका कितना परसेंट यहाँ पर ये यह ऊपर जा सकता है उस बेस पे फिर मैं यहाँ पर थोड़ा टारगेट के लिए देख सकता हूँ एनीवेट्रैंगल anyway, हमारा बन ही रहा था तो यहाँ पर देखिए यही मैं टारगेट देख रहा था कि सिक्सटी के आसपास की मार्केट यहाँ पर जा सकती है तो इस लेवल पर मैं यहाँ पर दिख रहा तो जस्ट क्योंकि यहाँ पर हमारे लोअर लो नहीं बन रहे थे ये लो यहां से यहाँ तक ये बया गया ये हाई नहीं बना फिर ये इस लो को ब्रेक नहीं किया फिर ये इस हाई को ब्रेक नहीं किया तो स्क्वीज होती जा रही है तो उस वजह से फिबो को थोड़ा मैं यहाँ पर लेके आया कि कितने परसेंट तक ये रिट्रेसमेंट कर रही है कितने परसेंट तक पुल बैक जा रही है तो मेरा जो मैं लास्ट बेस पे अब यहाँ पर पुल बैक ले रहा हूँ बाय के लिए देख रहा हूँ तो कितना पुलबैक मैं मैक्सिमम अचीव कर सकता हूँ एनी वेटर मेरी लिमिट है तो दोनों तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिली एंगल से भी ये भी और एक अच्छा ट्रेड था पर कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं थी जस्ट मैं सेफ साइड इसमें लेना चाहता था तो कम रिस्क से लिया था तो जैसे एक आइडिया आपको देना चाह रहा हूं कि आप डिफरेंट चीजों को लगा सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार हर चीजों को लगाएं अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए होती है आप डेफिनेटली देख सकते हैं तो ये जस्ट एक एडिशनल चीज मैंने देखी उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो वो कुछ भी हो सकती है आप इंडिकेटर भी हो सकता है ये आपके फिवना की हो सकती है पिवट पी, पॉइंट हो सकते हैं जो भी आप यूज करना चाहें होप आपको इससे थोड़ी इनसाइट मिली होगी जैसे इसको अगर हम देखें मार्केट साइड में चल रही है तो अभी के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है पर अगर शोट की अपॉर्चुनिटी मिलती है जीबीपी स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में अगर स्विस फ्रैंक देखें तो हमारा क्या स्ट्रेंथ में चल रहा है जैसे एक आइडिया मैं देखना चाह चाहूंगा इस कि क्या मार्केट यहाँ पर चल रही है स्विस फ्रैंक मिक्स है जीबीपी में तो कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है इसीलिए आपको साइड में दिख रहा है तो क्लियर हो जाता है आपको जब आप देख रहे हैं कि साइडवेज में चल रहा है और वहां पर जब आप करेंसी में देखेंगे तो वहां पर भी दोनों मिक्स हैं तो साइडवेज इसीलिए आपका साइडवेज में चल रहा है दोनों में कुछ स्ट्रेंथ नहीं पेयर को अवॉइड कीजिए अनलेस आप रेंज में ट्रेड करना चाहें सो मैन फुटप्रिंट चार्ट सीखना चाहिए यूजफुल है सर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए बहुत प्राइज है चार्ट का इसलिए पूछा कर सकते हैं आप मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता आप यहाँ पर ये ट्रेडिंग में पूछ रहे हैं या कुछ अलग ही चार्ट है किस तरीके का है मुझे इसका आइडिया नहीं है तो मुझे क्लियर बताइए या फिर मुझे ट्रेडिंग व्यू में पूछ रहे हैं या कुछ अलग तरीके से पूछ रहे हैं या कुछ इंडिकेटर है ये मुझे नहीं पता फ्रेंड जेपी गोल्ड गोल्ड यूरो ओजी साइडवेज में है रहा देखना होगा अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा अगर किसी और पेयर में मैं वॉचफुल रहूंगा अभी मुझे स्कैन करने हैं पेयर्स दिस इज जी बी पी ओ जी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है जी बी पी ओजी हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस एरिया में अगर हमें यहाँ पर यह पुल बैक हुआ है और थोड़ा ऊपर जाए तो हम इसमें शोट की अपॉर्चुनिटी जी बी पी ओजी तो मैं इसमें देखना चाहूँगा कल के आसपास ओजी के बाद न्यूज़ के आने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जी बी पी जे पी वाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जी बी पी यू एस जी स्टिल अप एन जी डी स्विस फ्रैंक एन जी डी जे पी वाई स्ट्रेंथ में है ओके okay. ओके ऑलमोस्ट डन है तो ओके okay. मैं अभी और कुछ नहीं देखना चाहूंगा मैं कल देखना चाहूंगा कि क्या मूवमेंट आती है जो मार्केट में मूवमेंट आएगी तो हमारी जो सबसे पहली न्यूज है जो आप देखना चाहेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर कैलेंडर में जाते हैं तो जो सबसे पहली न्यूज है आर की जो मैं बोल रहा हूँ आपकी मीटिंग मिनट्स हैं जो सुबह के छह बजे है और सुबह छह से शाम के सात बजे तक कुछ न्यूज नहीं है तो लंदन ओपन में देखिएगा अगर आपको सेटअप मिले ओ जी जी जीबीपी में जो मैंने बताए हैं आपको वो देखिएगा या फिर यूएस ओपन तक कैड यूएसडी कैड को मैं देखना चाहूंगा इस न्यूज के आने के बाद क्या रिएक्ट करता है उसके बाद ही पर वेंसडे मॉर्निंग में न्यूज है ये वेंसडे को अलग मत समझ समझिए ट्यूजडे की नाइट में न्यूज है तो पेयर को ज्यादा मत होल्ड कीजिएगा और उसके बाद ही कीजिएगा ओके गाइस तो मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है हम अपने वेबिनार को रैपअप करते हैं सर कमीशन चार्ज कमीशन चार्ज है टू डॉलर पर साइड तो फोर डॉलर है पार्थ जो आप यूज कर सकते हैं तो काफी अच्छा है लोअर लेवल पे है पर यहाँ पर स्वैप फ्री नहीं मिलेंगे आपको अकाउंट स्वैप चार्जेस देते हैं तो होल्ड करेंगे पोजिशन को तो आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे तो ये माइंड में रखिएगा ओके ओके गाइस एनी अदर क्वेश्चन नहीं तो फिर हम रैप अप करते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा मंडे के लिए कोशिश करूंगा मैं इसको यूट्यूब पर डाल दू तो अगर आप यूट्यूब पर जाएँ तो दोबारा देखें अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर मैं वहाँ पर और वेबिनार डालूंगा तो आप बार बार देखेंगे चीज़ों को तो और अच्छा आइडिया भी रहता है ठीक है ओके गाइज ओके सर बाय मैं इंफॉर्मेशन लेके आपको क्वेश्चन करूँगा ओके थैंक यू गाइज थैंक यू गुड नाइट टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में जो हमारा मंडे रहेगा ओके बाय